Hello students, today we will start our third section of first unit of English of 8th standard, and the name of our third section is the things that have been done before. The things that haven't been done before, those are the things to try. मतलब कि जो चीज़ें हमने कभी पहले नहीं की है वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी ट्राई करनी चाहिए. Columbus dreamed of an unknown shore at the rim of the far-flung sky. Columbus का क्या था ड्रीम? कि वो कुछ ऐसा करे कि वो बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचे, एट द एज ऑफ स्काई, मतलब आसमान छू ले. एंड हिज हार्ट वॉज बोल्ड एंड हिज फेथ वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका हार्ट बहुत बोल्ड था और फेथ, उसमें करेज बहुत था. ऐसी वेंचर्ड इन डेंजरस न्यू, मतलब कि उन्होंने क्या कि बहुत सारी नई नई प्लेसेस पे वो घूमे थे. एंड ही पेड टू हिट, पेड टू हिट मीन्स डिड नॉट पे अटेंशन, मतलब किसी को अटेंशन नहीं दिया. टू द जियरिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब जो क्राउड पीपल बीच में आते थे उसका फन बनाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसने किसी पे ध्यान नहीं दिया. और द फियर्स ऑफ द डाउटिंग क्रू, मतलब कि उसके साथ जो काम करते थे उनको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया. द वे विल फॉलो द बीटन ट्रैक द गाइड पोस्ट ऑन द वे, वो क्या बोलते हैं, हम जो पहले नहीं कर रहे हैं वो अभी हमें करना चाहिए, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए. दे लीव एंड हैव लीव फॉर एजेस बैक विथ अ चार्ट फॉर एवरी डे, मतलब उसने एजेस तक एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट के ऊपर ही चलते थे. समवन हैज टोल्ड हिम इट्स सेफ टू गो ऑन द रोड ही हैज ट्रैवल्ड और एंड ऑल द डे हैव स्ट्राइव टू नो आर द थिंग्स दैट वेर नोन बिफोर, वो क्या बोलते हैं कि जिस रोड से तुम चल के आए हो उस रोड पे चलने में बहुत मजा आता है, लेकिन जहाँ तुम लोग नहीं जाके आए हो, जहाँ तुम स्ट्राइव नहीं करके आए हो, वहाँ तुम्हें जाने में और भी मजा आएगा, नई नई चीजें सीखने में और भी मजा आएगा. द फ्यू स्ट्राइक आउट विथआउट मैप और चार्ट, वो विथआउट मैप मतलब वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली घूमते थे, वो किसी भी मैप या चार्ट की हेल्प नहीं लेते थे घूमने में. वेयर नेवर अ मैन हैज बीन फॉर द बीटन पाथ ड्रो अपार्ट, मतलब कि वो कभी किसी का इंतजार नहीं करते थे, वो बस अपने पाथ पे ही निकल जाते थे, मूव ऑन करते थे, मूव अवे करते थे. टू सी वॉट नो मैन हैज सीन, मतलब क्या देखना चाहते थे जो कभी किसी ने नहीं देखा है, वो देखने की इच्छा उनमें होती थी. देर आर डीड्स दे हंगर अलोन टू डू दो बैटर्ड एंड ब्रूश एंड सोर, उन्होंने क्या बोला कि जो किसी ने सर्वाइव नहीं किया वो मुझे सर्वाइव करना है, मुझे कुछ नया सीखना है और उसमें से बाहर निकलना है, सफ़र करना है. सफ़र वाइल डूइंग समथिंग न्यू, जो नया करो उसमें से कुछ कुछ सीख के मुझे बाहर निकलना है. द थिंग्स दैट हैवन्ट बीन डन बिफोर आर द टास्क वर्थ वाइल टूडे, मतलब वो क्या बोलते हैं, जो चीज़ें हमने कभी नहीं की है वो चीज़ें करने में वो हमारा लाइफ का टास्क होना चाहिए, कि जो हमने आज तक नहीं किया वो अब हमें करके ही रहना है. Are you one of the flock that follows or are you one that shall lead the way, वो क्या बोलते हैं, तुम एक ऐसे फ्लॉक हो जो तुम्हें जाना चाहिए, या फिर एक ऐसा ग्रुप में तुम आते हो कि तुम्हें ऐसा कुछ नया सीखने को मिले. आर यू वन ऑफ द टिमिड शोल्स, टिमिड शोल्स मीन्स पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ डूइंग एनीथिंग न्यू, क्या तुम उसमें से हो जो हर चीज़ करने से डरते हो, दैट क्वेल मीन्स फ्राइटनिंग, डरते हो. एट द जियर्स ऑफ अ डाउटिंग क्रू, मतलब कि कभी कुछ हमें डरना नहीं चाहिए, तुम उनमें से नहीं हो जो डरते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें डट के सामना करके आगे बढ़ना चाहिए. और डेयर यू वेदर यू विन और फेल स्ट्राइक आउट फॉर अ गोल दैट्स न्यू, वो क्या बोलते हैं, तुम जीतो या तुम हारो वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम जीतेंगे या हारेंगे, बस तुम्हें अपने गोल तक पहुँचने का रास्ता पता होना चाहिए. तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो नया है, हर बार हमें कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, फिर हमें उसका रिजल्ट का चिंता नहीं करना चाहिए कि हम उसमें जीतेंगे या हारेंगे. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन योर व्हाट्सएप, यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक. ओके, तो हमें इस पोएम में से क्या सीखने मिला कि हर बार हमें हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए, या फिर तुम जीतो या हारो लेकिन तुम्हें डट के आगे बढ़ना चाहिए.